किंग्समैन की मूवीज दुनिया भर की स्पाई फिल्म्स में से एक है, लेकिन फिर भी किंग्समैन की मूवीज अंडररेटेड ही रही हैं। पर किंग्समैन के फैंस को पता है कि मूवीज कितनी औसम है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको दी किंग्समैन मूवी देखने के पहले जान लेना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। देखो दी किंग्समैन किंग्समैन फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है, जिसकी पहली मूवी 2015 में किंग्समैन दी सीक्रेट सर्विस और इसका सीक्वल किंग्समैन दी गोल्डन सर्कल 2017 में रिलीज हुआ था और ये दोनों ही मूवीज सक्सेसफुल रही है। और अगर बहुत ज्यादा डिलेट के बाद किंग्समैन की थर्ड मूवी दी किंग्समैन फाइनली 2022 में रिलीज की गई है, जो कि प्रीक्वल है। देखो अगर आपने किंग्समैन फ्रेंचाइजी की ये दोनों मूवीज किंग्समैन दी सीक्रेट सर्विस और किंग्समैन दी गोल्डन सर्कल नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इन दोनों मूवीज को देख लो। देखो फैंस को इस बात ने बहुत डिसअपॉइंट किया है कि दी किंग्समैन मूवी डायरेक्ट सीक्वल नहीं है इसके पहले दो पार्ट्स का, क्योंकि दी किंग्समैन मूवी प्रीक्वल है तो इसमें हमें किंग्समैन ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिन स्टोरी को दिखाया जाएगा कि कैसे किंग्समैन एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी बनी और कौन था फर्स्ट किंग्समैन, जो कि हमें इसकी पहली दो मूवीज में नहीं दिखाया गया था। दी किंग्समैन मूवी टेक प्लेस करने वाली है वर्ल्ड वॉर 1 में, जिससे हमें इस मूवी में बहुत सारे एक्शन सिक्वेंसेज भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ न्यू कैरेक्टर्स भी। और इस मूवी का मेन विलन होगा रैस्पुतिन। तो यार मैं होप करता हूँ कि मैंने आपको दी किंग्समैन मूवी के बारे में इतना बता दिया है कि अब आप इस मूवी को आराम से थिएटर में एंजॉय कर पाएं। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने किंग्समैन की पहली दो मूवीज देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो कौन सी मूवी आपको ज्यादा अच्छी लगी है। तो यार अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।